exact mark it. Sound. Take seven. Action. में अपने प्रशासन में जिन मूल्यों की बात आप करते हैं और शुक्र अल्लाह का मैं बच गई थी, शुक्र है राम का कि मैं गिरने से यहाँ पर संभल गई, लेकिन बहन डर गई, बहन डर गई। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, बढ़िया था गुरु। सैयद काशिफ अली लिख रहे हैं, अली आर यू मुस्लिम? यस यस। सैयद साहब आर यू मुस्लिम? क्या बोले तूने? सैयद साहब आर यू मुस्लिम? सिक्योरिटी सिंह लिख रहे हैं, मोमिना तुम्हारी तरह चोर नहीं है। कुछ कह दो मोमिना, ये लोग मुझे चोर कह रहे हैं। मोमिना मैं खुद कहती हूँ, मेरे हस्बैंड खुद आपको गालियाँ बकते हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं है, थकते क्यों नहीं है? को मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? ना यू इनू टॉनिक मारते मोटी टॉनिक मास्टर हैं? आपके पास इतनी ताकत कहां से आती है? आप क्या टॉनिक पीते, मुझे पूछना पड़ेगा मोदी जी। हैं टॉनिक कौन सा पाशा? कंपाउंडर तो बंद हो गया हमारे पास। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जब रुबिका लियाकत को सरकारी पैसे नहीं मिलते हैं तब वो जर्नलिज्म करती है। आपको प्रॉब्लम क्या है मुसलमानों से? मैं ये नहीं समझ पाती हूँ। मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी मानसिकता से प्रॉब्लम है। देखा, मुट्ठी भर बोलिए ना, मुट्ठी भर मुसलमानों की मानसिकता से प्रॉब्लम है। अरे कहाँ रिसर्च है मुझे बताइए ना, मैंने तो आपको बता दिया कि मुट्ठी भर थे। 14 करोड़ मुसलमानों में से 10,000 के आसपास जो है वो मुट्ठी भर कहलाते हैं। अब मुझे आप बताइए, मेजोरिटी ऑफ देम आर रेडिकल? मैं तो आपको यहाँ पर प्रूफ दे रही हूँ, लॉजिकल रीजनिंग कर रही हूँ। आप कीजिए लॉजिकल रीजनिंग दैट ऑल ऑफ द मुस्लिम्स आर रेडिकल। कैसे कह सकते हैं आप? मेरे सामने कहेंगे और मैं इत्मीनान से सुनूंगी? कैसे सुनूंगी? कतई नहीं सुनूंगी। अरे आप मत सुनिए। नो फिक्र नो शाय, आई एम मियां भाई। और फक्र से कहूंगी मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, और अगर आप बाकी सारे मुसलमानों को तोलेंगे एक ही तराजू में तो मैं वो भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। रागी साहब राइमिंग बोल गए भैया जी। जब रुबिका लियाकत को सरकार से 15 लाख रुपया मिल जाता है। कोर्ट में राम मंदिर पर सुनवाई 5 सेकंड में खत्म हो गई। उस 5 सेकंड में फिर मिल गई आपको अगली तारीख, और इस पर आज हमारा सीधा सवाल कि क्या बच्चा बच्चा राम का बीजेपी के काम का सवाल ये कि कांग्रेस साफ क्यों नहीं करती है कि वो राम मंदिर के साथ है या राम मंदिर के खिलाफ है? कि क्या राहुल गांधी सिर्फ चुनावी फायदे के लिए मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं? टेम्पल रन। मुसलमान राम मंदिर के लिए तैयार है? क्या मुसलमान वाकई राम राज्य अयोध्या में लेकर आएंगे? सवाल तो बिल्कुल सीधा सा है, कश्मीर मुसलमान का या कश्मीर हिंदुस्तान का? मुसलमान हिस्सेदार या किराएदार? तेरे को बताते तेरी माँ की चुत तेरी रुका। क्या चाहिए आप? सरस्वती तुमसे मतलब? हम दिल्ली पुलिस से आए हैं। के लौड़े निकलो यहाँ से। I still love you. रोजा रखा है, कभी नमाज पढ़ी है? रुबिका लियाकत को मैं तब से जानता हूँ जब वो मेरे साथ लाइव इंडिया और इंडिया टीवी में काम करते थे। बड़ी एम्बिशियस है, खैर एम्बिशियस होना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी भी जाति को किसी भी प्रांत को टारगेट करना ये गलत बात है। भाइयों शर्म करो कि हम इन लोगों का चैनल देखते हैं। उन मुसलमान लीडरों से मैं कहना चाहता हूँ जो इनके चैनल में एज अ गेस्ट जाकर बैठते हैं, क्या मिलता है आपको? अपनी कौम की दलाली करने जाते हैं आप? 50,000, 20,000, 30,000 रुपए के लिए अपनी कौम को बदनाम करने जाते हैं आप?
क्यों जाते हैं भैया? इतनी बड़ी दाढ़ी तो बढ़ा लिया आपने, मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव तो बन गए आप, लेकिन आपको बोलना ही नहीं आता वहां पर। शर्म आती है हमें आपको बोलते हुए कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, मुसलमानों के कौम को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं आप। क्यों आप लोग जाना बंद कीजिए इन चैनलों में, ये दलाली वाला चैनल है, ये अपने आप को सो कॉल्ड दलाल बना चुके हैं, अब भी शर्म कीजिए। हिंदू मुसलमान एक रहा है इस देश में और एक रहेगा। रुबिका लियाकत ने कभी रोजा रखा है? कभी नमाज?